अफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलेशन टू ग्रेविटी से पहले समझना पड़ेगा कि लैटिट्यूड है क्या। सुना होगा आपने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इसके बारे में। तो लैटिट्यूड का मतलब क्या ये समझते हैं। अगर ये अर्थ है और ये अर्थ का इक्वेटर है और इस प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, इक्वेटर का प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन है। अगर आप अर्थ की किसी लोकेशन पे खड़े हुए हैं, मान लें पी पॉइंट पे खड़े हुए हैं, और इस पी पॉइंट ने अर्थ के सेंटर पे, ये इक्वेटोरियल प्लेन का प्लेन है, इसके साथ जो पी पॉइंट ने एंगल बनाया वो कितना बनाया, लैम्डा। तो इस लैम्डा को बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल, या लैटिट्यूड या लैटिट्यूड एंगल। तो ये लैटिट्यूड कुछ नहीं है, एंगल ही लैटिट्यूड है। क्लियर है यहाँ तक? तो लैटिट्यूड की वैल्यू, कई बार क्वेश्चन आएगा इक्वेटर पे क्या होती है, अगर आप इक्वेटर पे खड़े हुए हैं तो लैम्डा क्या हो जाएगा, जीरो। तो लैटिट्यूड जीरो होता है। और ऐसी पोल्स पे क्या होती है, 90, क्योंकि ये लाइन यहां पे आ जाएगी, एंगल 90। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर। तो लैटिट्यूड का मतलब जो है वो एंगल है। अब एक बात तो पक्की है, अगर आप अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे खड़े हुए हैं तो लैटिट्यूड क्या हो रहा है, चेंज। अर्थ की हर लोकेशन पे लैटिट्यूड डिफरेंट है। तो लैटिट्यूड डिफरेंट है तो अफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड का मतलब जी की वैल्यू आप सोच रहे होंगे क्या चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। मतलब यहाँ पे जी डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इसके अंदर लैटिट्यूड का अफेक्ट ये है कि आप लैटिट्यूड हर लोकेशन का डिफरेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर लोकेशन की डिफरेंट आती है। अब कैसे, उसका लॉजिक समझें। हालांकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, हम इनको अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन में कंसिडर भी नहीं करते, पर हम अफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये भी एक बहुत बड़ा अफेक्ट है। कैसे, ये देखो, सपोज आपके पास ये एक अर्थ है, ये अर्थ है। इमेजिन करें जो अर्थ है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। 24 घंटे में इसकी रोटेशन है, ओमेगा 2π/24 आवर्स है। अब जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं, जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं उनको बड़ा चक्कर काटना पड़ता है पूरे दिन 24 घंटे में। अब देखो ना उसका रेडियस कितना बड़ा है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको इतना चक्कर काटना पड़ता है ऑफ रेडियस आर, पूरा दिन ऐसे घूमेंगे। जो लोग पोल्स के पास रहते हैं उनका चक्कर छोटा है, और जो पोल के ऊपर रहते हैं वो तो एक्सिस पे घूमे जा रहे हैं। अब यानी कि सबके लिए बराबरी थोड़ी ना, हर का डिस्टेंस घूमने का डिफरेंट है। आप कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, अर्थ तो बैठे तो अर्थ के ऊपर ही है, फर्क है 24 घंटे में चक्कर काटना, 24 घंटे ही होगा, फर्क तो पड़ेगा ही, कैसे फर्क पड़ेगा। अर्थ क्योंकि ओमेगा के साथ घूम रही है, अगर ग्रेविटी की फोर्स ना होती, अगर ग्रेविटी की फोर्स, अगर हमें अर्थ ना खींच पाती तो हम 101% अर्थ पे टिक ना पाते और अर्थ हमें बाहर फेंक चुकी होती बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ एम मास और अर्थ ओमेगा के साथ घूम रही है तो अर्थ मुझे यहाँ पे उठा के फेंक चुकी होती, और जो लोग इक्वेटर पे हैं उनको यहाँ उठा के फेंक चुकी होती। अब इक्वेटर का आर बड़ा है कि ऊपर वाले पॉइंट का आर बड़ा है, इक्वेटर का, तो सेंट्रीफ्यूगल इक्वेटर पे ज़्यादा है। तो अगर ये अर्थ हमें खींचना बंद कर दे तो इक्वेटर वाले लोग बहुत ज़्यादा तेज़ से जाएंगे, जाएंगे हम भी जाएंगे पर ये भी जाएगा, पर ये ज़्यादा तेज़ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर पॉइंट के डिफरेंट है। अब एक तरीके से देखा जाए अर्थ की रोटेशन, तभी तो टॉपिक का नाम है अफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ की रोटेशन। अर्थ की रोटेशन से क्या हो रहा है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट चक्कर में घूम रहा है। अब अर्थ साइमल्टेनियसली हमारे पास दो, हमारे ऊपर दो फोर्स लगा रही है। एक इस पॉइंट पर पहली फोर्स है वेट। अब वेट आप कहोगे वेट तो सर वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, भाई वो तो यहाँ पर डाउनवर्ड है, अर्थ का सेंटर तो नीचे मानता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा डाउनवर्ड है। यहाँ पर क्या होगा, कौन हमें खींचता है, अर्थ का सेंटर। तो अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स क्या है, एम जी। तो अर्थ हमें एक्चुअल फोर्स से खींच रही है जो हमारा ट्रू वेट है और जिसकी वैल्यू कितनी है, एम जी। और अर्थ ही हमें, हमारे ऊपर एक और फोर्स लगा रही है एम आर ओमेगा का स्क्वायर। अब नेट फोर्स क्या लगेगी, एक्चुअल वेट तो एम जी है और साथ में एम आर ओमेगा स्क्वायर भी है,
नेट फोर्स इन दोनों वेक्टर का क्या लगेगा, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट के चक्कर में नई मेरा नया वेट आ जाएगा, अब नए वेट में मास तो चेंज होता नहीं, तो फिर क्या चीज़ चेंज होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वेट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हर लोकेशन पे डिफरेंट हैं, जिस वजह से वही बंदा जब इक्वेटर पे खड़ा है या कहीं और खड़ा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंट होने की वजह से उसके वेट में फ़र्क आता जा रहा है। और एक्चुअल वेट कहाँ पर एक्ट करेगा, टूवर्ड सेंटर, वो हमेशा सेंटर की तरफ ही होता है कि अर्थ हमें सेंटर की तरफ ही खींचती है। क्लियर है? तो इसके लिए आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएं, मैं एक्सप्लेनेशन साथ साथ ही देता जाऊंगा आपको। ये लो, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना प्लीज़, अर्थ बड़ी बनाना, अर्थ बड़ी बनाना। तो ये अर्थ, ये रही, ये इसका एक्सेस है, ये इसका एक्सेस है, ये लो ओमेगा, ओमेगा एक्सेस है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर, ठीक, इक्वेटर इसे ड्रॉ करें, ठीक, ये एक पॉइंट है पी, पार्टिकल यहां पे लें, साथ साथ ड्रॉ करें प्लीज, एक पॉइंट है पी, ठीक, इसे ज्वाइन करें सेंटर के साथ ऐसे, और ये एंगल ड्रॉ करें, दिस एंगल इज लैम्डा, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, ये रेडियस है कैपिटल आर, ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है इस सर्कल में, ये पार्टिकल छोटे सर्कल में रोटेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस पार्टिकल के घूमने का जो रेडियस है वो छोटा आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर ड्रॉ करें, स्मॉल आर, अगर ये लैम्डा तो ये एंगल भी लैम्डा, तो ये वाला एंगल भी लैम्डा, अल्टरनेट एंगल, और साइड पे लिख भी सकते हैं कॉस ऑफ लैम्डा किसके इक्वल है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर कॉस लैम्डा, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई कैपिटल आर कॉस लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, लेकिन चलो बाद में बनाते हैं, दो मिनट रुको, सबसे पहले एक और काम करते हैं, इसमें इसका वेट बनाते हैं, इसका जो वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा, टूवर्ड्स सेंटर, ये रहा वेट एम जी, टूवर्ड्स सेंटर, ओमेगा के साथ रोटेशन है, ठीक। नेक्स्ट है, इसमें आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो एक फोर्स एक्ट कर रही है, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सच दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कैसे एक्ट कर रही है, ये देखो ये ऐसे एक्ट कर रही है, इसकी वैल्यू क्या है, एम छोटा आर ओमेगा स्क्वायर, और ये फोर्स की वैल्यू है एम जी, इसकी वैल्यू एम आर ओमेगा का स्क्वायर, और इन दोनों का रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये रहा इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आ गया, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, क्योंकि इस पार्टिकल पे दो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट तो एक्ट कर ही रहा है, वेट के साथ सेंट्रीफ्यूगल भी एक्ट कर रही है, तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स और दोनों की दोनों फोर्सेस लगा तो अर्थ ही रही है,
तो अर्थ की नेट फोर्स अर्थ की तरफ से कितनी है, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के रिजल्टेंट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम जी डैश। वो क्यों? क्योंकि मास तो किसी का चेंज होता नहीं, रिजल्टेंट में क्या चीज चेंज हुई होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नया वेट इसलिए चेंज हुआ क्योंकि एक्चुअल वेट में सेंट्रीफ्यूगल का रिजल्टेंट हो गया। क्लियर है यहां तक? तो स्टेप समझ में आ रहा है कि वेट क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज इफेक्ट ऑफ रोटेशन है। मेरा वेट तो mg ही था लेकिन रोटेशन ने सेंट्रीफ्यूगल लगाई जिस वजह से मेरा वेट में चेंज आ गया। अब इन दोनों वेक्टर्स जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, बोलो इनके बीच में ये एंगल कितना है, 180 माइनस लैम्डा। अगर ये लैम्डा तो बचा हुआ एंगल कितना है, 180 माइनस लैम्डा, स्ट्रेट लाइन है ना, तो 180 माइनस लैम्डा। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ठीक है यहां तक। तो इस डायग्राम में ठीक, अब ध्यान से देखना, इसमें इसके अंदर जो मेरा नया वेट है एम जी डैश, इसको देखना प्लीज, जो मेरा नया वेट है एम जी डैश वो क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ एम जी एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू फोर्सेज इज कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा। तो पहला स्टेप लिखें नया वेट, ये लिखें नया वेट क्या है, एम जी का स्क्वायर एम आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस टू इंटू एम जी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा। ये लिखें पहला स्टेप कॉपी में, क्योंकि सोच के लिखना है कि किसका किसका रिजल्टेंट है, एम जी का रिजल्टेंट है और एम आर ओमेगा स्क्वायर का रिजल्टेंट है। एक एम जी का रिजल्टेंट है, एक एम आर ओमेगा स्क्वायर का रिजल्टेंट है। तो एम जी डैश की वैल्यू क्या होगी लिखें, पहला स्टेप क्लियर है। अच्छा ये बताओ, कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा क्या होता है, माइनस कॉस लैम्डा। तो इसे ओपन कर दें, एम स्क्वायर जी स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा 4, ये ऐसे ही, और यहाँ पर माइनस कॉस लैम्डा, इन्हें भी मल्टीप्लाई कर दें एम स्क्वायर, और यहाँ तक लिखें स्टेप प्लीज, यहाँ तक बनाएं, खुद बना लें, वो तो खुद स्टेप बन जाएंगे, स्क्वायर ओपन ही तो करना है। ओपन करके यहां तक पहले तीन स्टेप लिखें, पहले तीन स्टेप्स, ठीक है। ये स्टेप यहां तक क्लियर है, अब ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप। इस अंडर रूट में से एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, क्योंकि अंडर रूट है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो अंडर रूट से कट के क्या आएगा, एम जी। ये स्टेप ध्यान से पहले देख लो, उसके बाद करना। इसमें से एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 1, इसके अंदर से एम स्क्वायर तो एम आ गया, जी स्क्वायर तो है ही नहीं, तो जी स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड।
इसके अंदर एम स्क्वायर तो ठीक है, एक जी है, एक जी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये स्टेप लिखें, और इस स्टेप में ये भी याद रखना, ये एक और स्टेप देख लें, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर की फॉर्म में आर कॉस लैम्डा ये पुट कर दें, ये पुट करके इसे ओपन करें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा पूरे सिंप्लीफाई करके यहां तक लिखें, ये तीनों स्टेप लिखें, नेक्स्ट समझ के लिखें। क्लियर है, तीनों स्टेप यहां तक क्लियर है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ठीक इस स्टेप के बाद जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 किलोमीटर है, जो बहुत ज्यादा बड़ा है अगर मीटर में कन्वर्ट कर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं सुन लो। पहले ओमेगा अर्थ का 24 2π/24 आवर्स है, 24 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। ये तीन टर्म्स है इस अंडर रूट के अंदर, इन तीन टर्म में से अगर मैं इसके अंदर कैपिटल आर पुट करूं और ओमेगा भी पुट करूं और ओमेगा की पावर रेज टू पावर 4 पुट करूं और कैलकुलेट करूं, ये वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है। सोचो ना 2π/24 × 60 × 60 का होल रेज टू पावर 4 0.000000 के फॉर्म में आएगी, तो 1 के मुकाबले ये टर्म बहुत ज़्यादा छोटी है। हम सीधा लिखेंगे एज कैपिटल आर एंड ओमेगा, कैपिटल आर की याद ही है आपको, लिख सकते हैं ओमेगा भी याद है, तो बस एक ही लाइन लिखेंगे, दिस टर्म इज वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी निगलेक्टेड। फिर एक स्टूडेंट आया, वो कहता है सर एक बात बताओ, मैं मान गया निगलेक्ट छोड़ रहा हूँ मैं इसे, कहता तो ये भी तो छोटा है। मैंने कहा कैसे, कहता आर 6400 किलोमीटर, ओमेगा 2π/24 60, फिर कहता इसको भी छोड़ दें, फिर मैंने कहा ऐसा कर तो इसको भी छोड़ दे, तो इसको भी छोड़ दे, और g′ = g, इफेक्टिव रोटेशन ही खत्म, तुमने ओमेगा ही उड़ा दिया, तो फिर दो नहीं तीन नहीं, तीन में से दो नहीं उड़ेंगी, एक उड़ सकती है, तो इसके मुकाबले ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है, मैं छोटी है ये बहुत ज़्यादा, इसको तो छोड़ दो, तो आपके पास सिर्फ दो टर्म बचती हैं, तो यहाँ तक लिखें दो टर्म, और अंडर रूट को हाफ लिख लें, अंडर रूट का मतलब हाफ है। यहाँ फिर से एक बार बाइनोमियल है, हाफ आ गया, हाफ को इससे मल्टीप्लाई करें, हाफ और टू कैंसिल हो गया, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, और ब्रैकेट को ओपन कर लें, जी इंटू वन जी, जी से जी कट गया, और फाइनली ये फॉर्मूला नोट करें, आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे लैटिट्यूड वाले उनमें ये फॉर्मूला लगेगा, g′ = g − r ω² cos² λ, ये फॉर्मूला तक लिखें। इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं भाई, यही है कॉन्सेप्ट ही, ये लगता है इसमें फॉर्मूला ही एक लगता है, क्लियर है यहाँ तक, तो ये फॉर्मूला लगेगा g′ का,
की वैल्यू क्लियर है यहां पे। अब इक्वेटर पे, इक्वेटर पे लैम्डा क्या होता है, जीरो, तो जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो ये जी का फॉर्मूला बहुत आता है न्यूमेरिकल पी बाई क्यू में भरा पड़ा इक्वेटर के ऊपर क्वेश्चन। तो इक्वेटर के ऊपर कैसे निकलेगा, लैम्डा जीरो, ये जी की वैल्यू आएगी। और पोल्स के ऊपर लैम्डा क्या होता है, 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो। पोल्स के ऊपर परफेक्ट जी वैल्यू है, इक्वेटर के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। ऑब्वियसली तुम क्या सोच रहे हो, ये आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, वो कुछ नया न्यूमेरिकल बना के देगा, पर स्टार्ट यहां से होगा, इक्वेटर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि लैटिट्यूड के साथ चीजें कैसे चेंज होती हैं, ठीक है यहां तक? तो ये फॉर्मूला जो आपने नोट किया, इसमें इसमें ये देखें, बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि बताएं ओमेगा क्या होगा, क्वेश्चन आएगा बताएं ओमेगा क्या होगा जब इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गई। अब इक्वेटर के ऊपर हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर जीरो कर दिया, ये वैल्यू आ गई। इक्वेटर पे अगर जी जीरो हो गया तो ओमेगा निकालना है, इसको जीरो पुट कर दें, ओमेगा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ जी बाय आर, जी पता है, आर पता है आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इक्वेटर पे जी जीरो करना है तो जी जीरो कर देना, आंसर आ जाएगा अपने आप। क्या यहां तक ये पॉइंट क्लियर है?